नौकरी का दबाव था या घरेलू झगड़ा, रहीम यार खान की खातून पुलिस ऑफिसर की खुदकुशी ने कई सवालात खड़े कर दिए। मैरी रोज ने खुदकुशी से पहले वालदा के नाम पैगाम में लिखा था, मेरी बेटियों की शादी किसी इंसान से करना। इस बारे में जानते हैं मुदस्सिर यूसुफ की रिपोर्ट में। मुझे माफ करना, दुआ करना जान आसानी से निकल जाए। बेटियों की शादी किसी ऐसे इंसान से करना जो जिम्मेदारियां उठा सके। ये है रहीम यार खान की पुलिस सब इंस्पेक्टर की आखिरी तहरीर जो उन्होंने आईने पर लिपस्टिक से लिखी। नौकरी का दबाव था या घरेलू झगड़ा, मेरी रोज की खुदकुशी मुअम्मा बन गई है। तोन पुलिस ऑफिसर ने 12 मार्च के रोज ड्यूटी से वापसी पर जहरीली गोलियां खाकर मौत को गले लगा लिया था। खातून ऑफिसर के वालिद गम से निढाल, कहते हैं बेटी ने परेशानियों का कभी जिक्र नहीं किया। मैंने कहा आज तो बेटा बहुत जल्दी आप आ गई, कहते आप तबीयत बड़ी थकी थी, मैं कुछ सोना चाहती हूँ। फिर वो अपने ऊपर वाले रूम में अकेली चली गई है। आधे घंटे के बाद बड़ा शोर हुआ, एकदम नीचे आ गई है, गिर पड़ी है मापनी के सामने, मुझे माफ़ कर दें अबू, मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मुझे माफ़ कर दें। मैरी रोज के शोहर दिलावर भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर लाहौर तैनात हैं। मुबैना तौर पर शोहर ने तबादला कराने या फिर नौकरी छोड़कर लाहौर आने पर जोर दे रखा था। पुलिस ने खुदकुशी की वजह घरेलू तनाज़े को करार दिया। ठीक है, वहाँ पे जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि उसकी कुछ घरेलू परेशानियाँ थी जिसकी वजह से उसने जो है मैरी रोज एक बेहतरीन महाफिज, बहादुर और पुख्ता सहन की मालिक थीं, जिनकी अचानक मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मुदस्सिर यूसुफ, बोल न्यूज, रहीम यार खान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।